झुमकी, अभी तक खाना नहीं लगाया तुमने, इतनी देर हो गई है, सब इंतजार कर रहे हैं, हैं? क्या हुआ उर्मी? चेहरा क्या उतरा तुम्हारा? क्या बात है बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? हाँ माँ जी, थोड़ा सा सर में दर्द है, बाकी कुछ नहीं, हम ठीक है। अरे तो ये बात पहले काहे नहीं बताई किसी को बेटा? अ तो बहू झुमकी से कह देती, वो तुम्हें तेल लगा देती, थोड़ा आराम मिल जाता। ये बात भी सही है, पता है उर्मी, माजी भी बहुत अच्छा तेल लगाती है, कभी इनसे भी लगवाना, तब तुम्हें पता चलेगा माजी के हाथ का जादू। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो का? बहू जा, तुम जाके थोड़ी देर आराम कर लो, काय के दिन भर काम में लगी रहती हो, जिलाने सिर पकड़ लिया होगा। और हाँ, पहले खाना खा लेना, वो काय की वैसे भी आज सम्राट थोड़ा देर से आबे वाला है, उसका इंतजार मत करना, हमारे साथ ही खाना खा लेना, ठीक है? काय सम्राट देर से काय आएगा? अरे वो फोन आया था, कह रहा था कि कोई मीटिंग है, खाना बना खा के आएगा और आने में भी थोड़ी देर हो जाए। मीटिंग है? दिवाकर कौन सी मीटिंग के लाने गया सम्राट? हमें भी नहीं पता पापा, हमें तो कुछ नहीं पता है इस बारे में। भैया आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं? नहीं। अब हाँ, आ जाएगा अपने टाइम से, है होगा कचुका, और वैसे भी अपनी सब बातें वो दिवाकर को भी कहना चाहता है ना। आदत डाल लो उर्मी जे सब की, देवर जी की तो जब चाहे तब ऐसी मीटिंगें होती रहती है, इनका अच्छा है ऐसा कोई झमेला ही नहीं है, नहीं तो हम सोच सोच के परेशान हो जाते। अरे तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती होगा, कुछ भी बोले जाती हो, चलो चल के खाना खा लो, चल आओ बहू। आप हमें एक फोन तो कर सकते थे ना सम्राट जी, इनफैक्ट जब हमने आपको फोन किया तो आपने हमारा फोन भी नहीं उठाया। कहां से करता फोन, हवा में करता आपको फोन? फोन अलाउ नहीं करते हैं वहां पे कैसीनो में, जानती हैं आप? कैसीनो में मोबाइल क्यों नहीं अलाउड होगा, वो तो हर जगह होता है। आदत डाल लो उर्मी जे सब की, देवर जी की तो जब चाहे तब ऐसी मीटिंगें होती रहती है। एक बज गए, सम्राट जी अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ है। फोन करके देख, हाँ।
आ गया। बहुत देर नहीं हो गई आपको? मीटिंग थी मेरी। अब क्या मीटिंग्स में भी फोन अलाउड नहीं होता सम्राट जी?